देखिए क्वेश्चन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है सोल्व द इक्वेशन 4x² - 4a² x प्लस a⁴ - b⁴ इक्वल टू 0। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे। तो 4x² ऐसी रखेंगे, माइनस 4a² x को भी ऐसे रखेंगे। जब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट जब ओपन करते हैं उससे पहले प्लस का साइन होता है, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, तो a⁴ आ जाएगा और माइनस b⁴ आ जाएगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखें, ये तो स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, 4x² जो है ये स्क्वायर वाली टर्म है, मगर अगर हम इसको देखते हैं तो ये स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। जो इसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं है उसके साथ आप ये देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है, उसके साथ a और x आ रहा है। ठीक है, तो आप अब क्या करेंगे, x वालों को और a वालों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले x² वाले को लिख लेंगे, यानी कि इसको लिख लेंगे, उसके बाद जो a वाली है टर्म उसको आप लिख लेंगे प्लस का a⁴ और माइनस आप 4a² एक्स को उसके बाद लिख लेंगे और माइनस ये जो b⁴ था इसको सबसे लास्ट में लिख लेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब आप एक काम यहाँ पर ये करेंगे कि ये जिसका स्क्वायर बन रहा है इसको लिख लेंगे, ये 2x⁔ बन रहा है प्लस, अगर हम इसको देखते हैं तो ये a⁴ बन रहा है। ठीक है, माइनस अब आप इसको ना देख करके आप अपने हिसाब से 2 यहाँ पर रखें और 2 की मल्टीप्लाई आप 2x से दिखाएं। ठीक है, और मल्टीप्लाई जो यहाँ पर स्क्वायर बना है उससे दिखाएं, जो इसका स्क्वायर बना है उससे दिखा दें और इससे दिखा दें, और माइनस b⁴ को आप लिख सकते हैं b⁴ और इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, जिन जिनका स्क्वायर होता है, जिन जिनका स्क्वायर होता है उन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख करके उनके बीच में वो साइन लगा देते हैं जो 2 के साथ में है। तो यहाँ पर स्क्वायर किस किस का बन रहा है, 2x का और a² का, तो इनके बीच में माइनस का साइन लगा देंगे और ऊपर पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा जो था ये तीनों टर्म को मिलाकर ये फॉर्मूला बन गया, और माइनस ये b² के ऊपर पावर 2 ऐसे का ऐसे ले लेंगे, इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा और जब इसको खोलेंगे तो यहाँ तक ये बन जाएगा। ठीक, अब आपको फिर से मालूम है कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है a² - b², जब दोनों तरफ स्क्वायर होता है और बीच में माइनस का साइन होता है तो हम एक बार उनके स्क्वायर हटाकर उनको ऐड कर देते हैं और एक बार उनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो हम अगर यहाँ पर भी हम देखते हैं तो ये स्क्वायर इस टर्म का स्क्वायर बन रहा है और b² का स्क्वायर बन रहा है। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन हो तो हम क्या करते हैं, एक बार उनको ऐड कर देते हैं स्क्वायर हटाकर और एक बार उनको माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x और माइनस a² ये वाली टर्म में क्या करेंगे, पहले इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे किसको, b² को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म में से इसको माइनस कर देंगे, तो 2x - a² तो ऐसे ही रहेगा, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस b² इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब आप क्या कर लेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे, तो 2x - a² प्लस b² इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये 2x और माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 2x को आप ऐसे रखें, a² इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, b² इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, a² माइनस b² और अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू ये आ चुकी है, और जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो a² इधर आकर प्लस का, b² इधर आकर प्लस का, तो x की जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो a² प्लस b² और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो जो x की जो दो वैल्यूज आ चुकी हैं, x इज इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन 2 और कॉमा a² प्लस b² अपॉन 2, यही क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर है।